Hello, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज. ठीक है, देखिए आप जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब इस वीडियो को रेफर कर सकते हो. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. पहले मैं आज के क्वेश्चंस बता दूं, फिर जो मैंने कल के क्वेश्चंस दिए थे ना उसके मैं आंसर्स बता दूंगी. ठीक है, तो देखिए आज तो आपको बताने हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ कि करंट अफेयर्स में हमेशा जस्ट रिसेंट के ही पूछती हूँ. तो आप मुझे बताओ कि कौन सा राज्य महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लिए पहला राज्य बन गया है. एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में प्रहरी योजना शुरू की गई है. ठीक है, और स्टैटिक पार्ट में चलते हैं. तो इग्नाइटेड माइंड एक बुक है, इग्नाइटेड माइंड्स एक बुक है, इसके लेखक कौन है आप मुझे बताइए. और सेकंड है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है. ठीक है, तो ये थे आज के आपके टोटल 4 क्वेश्चंस. एंड आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. चलते हैं कल के क्वेश्चंस पे. कल जो मैंने पूछा था आपको, तो इसमें पहली बात बता दूँ कि आप लोगों में से मतलब जिन लोगों ने भी आंसर्स दिए ना, एक दो को छोड़ के मैक्सिमम के आंसर्स सही थे, तो ये बहुत अच्छी बात है. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारा कि किसने अनुपम खेर की जगह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है. तो ये बिजेंद्र पाल सिंह जी है. और भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पे जो बैन लगाया है, ये दिल्ली हाई कोर्ट है. और स्टैटिक मैंने पूछा था कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है. और नवरानी, इसमें बहुत लोगों को डाउट था कि ये नवरानी लोक नृत्य किस राज्य का है. ठीक है, कोई कह रहे थे लोक नृत्य ये है ही नहीं, दूसरे बहुत थोड़े इसका मुझे आंसर्स नहीं मिला. तो देखिए नवरानी जो है ना ये छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, और जो मैंने आज के क्वेश्चंस किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका मुझे सही आंसर्स देंगे. एंड आप सब कोशिश करिएगा इनका आंसर्स देने का. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. किस शहर में विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है सी, पुणे. ये पुणे में किया गया है और ये 2 दिनों की आपकी कार्यशाला थी, पुणे महाराष्ट्र में. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो गए सी, पुणे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के बारे में आप जान लीजिए. जैसा कि हम जान रहे हैं पुणे में हुई है, तो महाराष्ट्र इससे रिलेटेड है. तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर है श्री सी विद्यासागर राव. और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क से जो आप ध्यान रख सकते हो, चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, ये सारे महाराष्ट्र में आते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. कौन से राज्य में उच्च औषधीय पौधों की संस्थान की नींव रखी गई है? उच्च औषधीय पौधों की संस्थान की नींव है जो आपकी, वो जम्मू कश्मीर में रखी गई है. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, जम्मू एंड कश्मीर. देखिए आयुष के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ना, श्रीपद यसो नायक ही ने इसकी नींव रखी. और ये संस्थान जो है ये उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले जितने भी औषधि पौधे होते हैं ना, बहुत ही ऊंचाई पर पाए जाने वाले औषधीय पौधों के अनुसंधान के लिए ये एक समर्पित सुविधा होगी. और किसानों के लिए जितने भी औषधीय पौधों की ज़रूरत होती है, उसकी खेती में इस आय का प्रमुख स्रोत भी बन जाएगा. समझ में आ रही चीज़ें? मतलब जो किसान खेती करते हैं ना, तो ये औषधीय पौधों की खेती से इनके आय का एक स्रोत भी बन जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर में बनी है, नींव रखी गई है. और जम्मू कश्मीर के बारे में कि वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक है, राजधानी श्रीनगर है, राष्ट्रीय उद्यान CT1 नेशनल पार्क है, द चिगम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, किस्तवर नेशनल पार्क है, काजीनागा, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो. एंड जी हाँ, बिल्कुल अभी वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं है, वो 18 और 19 जून 2018 में ही उनकी कार्यकाल समाप्त हो गई थी. तो अभी तो खैर जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का ताज किसने जीता? तो ये जीता श्री सैनी ने, ये है श्री सैनी. और मैं बता दूं ये भारतीय अमेरिकी श्री शनी जो है, ये न्यू जर्सी के फोर्ट सिटी में ये आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 27th एडिशन जो है वो था. और इसमें इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है. तो हमारे ऑप्शन जाते हैं ए, श्री शनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फ्रेंच नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? फ्रेंच नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अशोक अमृतराज जी को। हमारे ऑप्शन है बी, ये हैं अशोक अमृतराज जी। और देखिए ये सम्मान इन्हें मुंबई में दिया गया है। ये सिनेमा और जो इंडो फ्रांसीसी फिल्म उद्योग की दुनिया में उनके योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और देखिए ये निर्माता हैं और ये पुरस्कार इन्हें, जैसे कि मैंने कहा, इन्हें मुंबई में मिला। मुंबई में आयोजित हुई थी फिल्म एंड टेलीविज़न उद्योग के लिए 2 दिनों की इंडो फ्रांसीसी व्यावसायिक बैठक, तो उस बैठक के समापन समारोह में उन्हें ये फ्रेंच नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हो गए बी, अशोक अमृतराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री फिर से बन गए, इनका नाम है रणिल विक्रमसिंघे। ऑप्शन हो जाते हैं डी। और श्रीलंका के बारे में आप जान सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति है मैत्रीपला सिरिसेना, ये हैं देखिए प्रेसिडेंट और ये श्रीलंका के, और श्रीलंका के जैसे कि मैंने बताया प्रधानमंत्री हैं रणिल विक्रमसिंघे। वहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ठीक है। और ये श्रीलंका का फ्लैग है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, 2018 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ विश्व चैंपियंस खिताब किसने जीता? यह किसने होगा? देखिए 2018 की जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की विश्व चैंपियन का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो देखिए ये ना मैंने इस क्वेश्चन में दोनों ही बता दिया कि मेल फीमेल दोनों कैटेगरी बताई है मैंने, तो नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलेप इन दोनों ने जीता है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं एंड सिमोना हेलेप जो कि रोमानिया की रहने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो चैम्पियनशिप हुई थी ना, जो इसमें जो चैंपियंस रहे हैं इनको नेक्स्ट ईयर 4 जून 2019 को आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की जो डिनर होगी उसमें ये पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को मिला है, और आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पहली बात तो आप इससे देख लीजिए कि ये जो नोवाक हैं ये हैं नोवाक जोकोविच, और रोमानिया की जो सिमोना हेलेप है ये हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की मैं बात करूं तो यहाँ के अध्यक्ष है डेविड हैग्रिडी, और इनका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसमें, तो जैसा कि जोकोविच जो है ये पुरुष एकल श्रेणी में इन्होंने ये खिताब जीता है, और 6ठी बार ये सम्मान इन्होंने, मतलब 6 बार ये 6 टाइम्स है जब इन्होंने ये सम्मान को प्राप्त किया है। और महिला एकल श्रेणी में सिमोना हेलेप को सम्मान प्राप्त हुआ है, इन्होंने 2018 में ग्रैंड सेल्फ की सफलता का भी आनंद, ये कुछ डिटेल्स जो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। और पुरुष के जो ग्रुप हुए थे पुरुषों के युगल श्रेणी में US के माइक ब्रायन और जैक सॉप को पुरस्कार मिला है, और महिला के युगल श्रेणी में बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनाकोवो को पुरस्कार मिला है। तो ये चारों चीज़ें आप याद रखिए कि ग्रुप में किन्हें मिला है और सिंगल किन्हें मिला है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टू 2018 में स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि ये पहली भारतीय बन गई है जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2018 में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है पी वी सिंधु, ऑप्शन हो जाते हैं ए पी वी सिंधु। आप देख सकते हैं ये रही पी वी सिंधु। और बैडमिंटन विश्व संघ के बारे में आप जान सकते हो कि इनके अध्यक्ष जो है वो है पॉल एरिक होयर लॉशन, एंड यहाँ का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है ये मलेशिया में है, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सोल्जराथन मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ है? सोल्जराथन मैराथन जो है इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा, मैं बताती हूँ। तो विशेष ये जो सोल्जराथन मैराथन हुई है ना ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है, और जो खेल मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने इसे 16 दिसंबर को नई दिल्ली में इसे ध्वजांकित किया। इनका उद्देश्य जो है ना जितने भी शहीद हो जाते हैं या जो घायल सैनिक के सम्मान में ये मैराथन रखी गई है उन्हें एक श्रद्धांजलि के तौर पर, इसमें क्या होगा कि जितने भी मान लीजिए कि प्राप्त जो भी इस मैराथन से जो भी आय मिलेगी जो इनकम होगी उससे घायल सैनिकों के भारतीय सेना के, ठीक है,
जो कृत्रिम अंग केंद्र है ना, अंग सेंटर जो है उसे दान किया जाएगा, ताकि वे पैराप्लेजिक पुनर्निवास केंद्र में अत्याधुनिक कृत्रिम अंग प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन जाते हैं नई दिल्ली। नेक्स्ट, नई दिल्ली के बारे में भी आप जान सकते हैं, हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, और राज्यपाल है अनिल बैजल जी, और राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, क्रिकेट देखिए, ये 16 दिसंबर को जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट चल रही थी ना, इसके तीसरे दिन पर इन्होंने 127 रन की पारी में ये उपलब्धि हासिल की है, और ये विराट कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भारत में किस राज्य के पारंपरिक व्यंजन को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? देखिए, अभी अभी रिसेंटली ये कौन सा व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजन है ये, जिसे भौगोलिक संकेत या GI टैग दी गई है, ज्योग्राफिकल जो आपकी टैग मिलती है वो किसे दिया गया है? तो देखिए, ये भारत राज्य है, और ये जो पारंपरिक जो व्यंजन है ना वो है खाजा। ठीक है, सिलाव का खाजा। देखिए, बिहार के जो नालंदा जिला है ना, तो यहाँ मुझे खाजा ऐड करना था, तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार का जो नालंदा जिला है वहाँ का पारंपरिक व्यंजन है सिलाव खाजा, और सिलाव ये जो बौद्ध स्थल है ना उसके समीप में ये पड़ता है, तो वहाँ खाजा को आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार के में जो खाजा मिलता है ना उसे भी अभी भौगोलिक संकेत दे दिया गया है, इसे भी अब GI टैग मिल चुकी है, और ये चेन्नई में जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है उन्होंने 11 दिसंबर को इसे ये टैग प्रदान किया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में मिसिंग थी ये पारंपरिक व्यंजन जो है ये खाजा है, ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, और बिहार के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और राज्यपाल लालजी टंडन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हॉकी विश्व कप 2018 जीता है? तो हॉकी विश्व कप 2018 का जो खिताब जीता है ये जीत लिया बेल्जियम में। जैसा कि हम सब जान रहे थे कि इस बार का हॉकी विश्व कप 2018 हमारी इंडिया होस्ट कर रहा था, इंडिया के भुवनेश्वर राज्य की राजधानी सॉरी उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप 2018 स्टार्ट हुआ था ना, और ये 28 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, और 16 दिसंबर को ये इसका समापन हुआ, और बेल्जियम ने जीत लिया है। तो ये याद रखिए, 2018 में बेल्जियम में जीता, 2014 का अगर विनर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, पर इस बार का हॉकी विश्व कप जो है ये बेल्जियम ने जीत लिया। ऑप्शन हो जाते हैं ए। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि ये हॉकी विश्व कप जो है 2018 की इस बार हमारा इंडिया होस्ट किया, और भुवनेश्वर में ये हुआ है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो भुवनेश्वर में तो ये उड़ीसा की राजधानी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ आप ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, राज्यपाल है गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भी है भुवनेश्वर, वहाँ की राजभाषा है उड़िया, और राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, सिम्पलीफाल, ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क है उड़ीसा के। और जैसे कि मैंने बताया कि बेल्जियम ने जीता है, ये देखिए बेल्जियम टीम अपनी खुशी मनाते हुए। किस शहर में सीनियर नेशनल ड्राइंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो सीनियर नेशनल ड्राइंग चैंपियनशिप जो है ये शुरू हो गई आपके पुणे में। ऑप्शन हो जाते हैं सी, पुणे। ठीक है, ये 17 दिसंबर को शुरू हुई और पुणे है, तो ये महाराष्ट्र से आप जान सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एंड गवर्नर है श्री विद्यासागर राव, और यहाँ के नेशनल पार्क आप ध्यान दे दीजिए, चंदोली है, गुगामल है, नवे गांव है, संजय गांधी और ताडोबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता है कैट्रियोना ग्रे ने। ये देखिए, ये रही कैट्रियोना ग्रे, ऑप्शन है हमारे ए, और देखिए ये फिलीपींस की रहने वाली हैं, और 17 दिसंबर को बैंकॉक में ये आयोजित हुई थी जहां इन्होंने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता है। इनका नाम है कैट्रियोना ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेश बघेल। ठीक है, इन्होंने भी 17 दिसंबर मतलब कल शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद के लिए। ऑप्शन हो जाते हैं ए, भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के बारे में तो देख लीजिए, भूपेश बघेल, जैसा कि मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है ये है आनंदीबेन पटेल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 दिसंबर के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको जो क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर्स देने की कोशिश ज़रूर करिए, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होंगी, और इस वीडियो की जो PDF है ना वो आपको हमारी टेलीग्राम
लिंक ग्रुप में मिल जाएगी जिसकी लिंक नीचे दी गई है। थैंक यू।